सावित्री बाई थी वो क्रांति वीर। आओ सावित्री, देखो बेटा तुमसे मिलने कौन आया? ज्योतिबा के बड़े भाई राजा राम। पानी जाने, पानी से हमारी प्रतिष्ठा की जलन कम होगी? बाबा साहेब अंबेडकर ने अपनी पुस्तक इसमें ये सिद्ध कर दिया है कि शूद्र भी किसी समय क्षत्रिय थे। भाई गोविंद मियाँ, हम सब समझते हैं तुम यही मौका ताड़ रहे हो ना कि कब ज्योतिबा शादी करे, और तुम अपनी इस शर्त से तौबा कर लो। क्या बात है मुक्ता, तू ससुराल के नाम से इतना डर क्यों गई? इस दुनिया में डरावनी कोई जगह है तो वो है ससुराल। देखो भाई शिवा, सबको निमंत्रण देना है, किसी भी टोले में एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। और बाकी सब काम के लिए तुमने किससे कहा? अरे शंभू हलवाई से बात हुई। अच्छा, और दूध और घी के लिए ना हरी यादव से बात हुई। अच्छा अच्छा, और भाजी का क्या है ना, वो तो अपने यहाँ भी है, नहीं तो बोल देंगे। नहीं, एक काम कर, तुम हलवाई से पूछ ले और उसके कहे अनुसार ही तुम बोल देना। अरे वो तो मैं कर ही लूंगा। अभी बात तो हुई है, उस दिन दूसरा काम ना ले वही ठीक है। हाँ ये तो सही बात है, अब इंतजार करने का समय कहाँ है, अब तो हल्के हल्के बारिश भी शुरू हो गई है। मैं तो कहता हूँ जितने जल्दी हो सके हमने तैयारी के लिए लगना चाहिए, और तैयारी अब बहुत अच्छी तरीके से होनी चाहिए। मैं अपने मुलगी का जन्मोत्सव नहीं मना पाया, पर हाँ उसकी शादी बिल्कुल और बड़े धूमधाम से मनाऊंगा। इतने धूमधाम से कि लोग याद रखेंगे, लोग कहेंगे कि पिता ने अपने मुलगी का विवाह किया है। क्यों काका? हाँ पाटिल, शादी ब्याह का काम बार बार थोड़ी होता है। ये तो बहुत उचित बात कही आपने, मैं भी यही सोच रहा। अच्छा सुनो, तुम पुरोहित टोलों में सबको आमंत्रण देना। हाँ वो आप चिंता ना करो, सब हो जाए। अरे मुझे चिंता करना बहुत अच्छा लग रहा है, और हो सके तो शादी तक तुम सबसे चिंता कराऊंगा मैं। तेरे मुर्गी की शादी जो है। हाँ सावित्री, देखो तुम्हारी शादी की तैयारियां चल रही है। शादी? हाँ। अरे क्या हुआ? लगता है सावित्री आज कुछ नए सवाल लेकर आई है। राजा राम। हाँ। लड़की वालों को लगना चाहिए शादी किसके यहाँ हो रही है, सब तैयारी अच्छे से करना, सब तैयारी 20 होनी चाहिए, 19 नहीं। सारी तैयारियां हो चुकी हैं। बारात में जाने के लिए मैंने बैलगाड़ियों की व्यवस्था भी कर दी है, अब सिर्फ बारात ही आना बाकी है। और हाँ, हमारे रिश्तेदारों के अलावा पुणे से और किस किस को शादी में बुलाना है ये सिर्फ आप मुझे बता दो। सबके नाम बोलता हूँ, बराबर याद रखना, भूलना मत। अरे लेकिन पहले नाम तो बताइए। नाम बताया नहीं ना? नहीं। सुन, हाँ जरा जरा धीरे धीरे से, इतने तेज नाम बताओगे तो वो मुझे याद कैसे रहेंगे? याद रखना पड़ेगा, सबके नाम याद रखना पड़ेगा, अगर कोई भी रह जाएगा ना तो लोग हमें ताने मारेंगे कि उन्हें बुला लिया, हमें नहीं बुलाया गोविंद ने अपने मुल्के की शादी में है? लेकिन एक साथ मैं इतने सारे नाम याद कैसे रखूंगा? अरे कैसे रखूंगा मतलब याद। आओ, अब एक सूची बना ली। सूची? हाँ भाऊ, मतलब कि वो रिश्तेदारों के ना सारे के सारे नाम लिख दीजिए, ताकि इससे आप भूल नहीं सके। वो तो ठीक है, लेकिन सूची तब बनाएंगे ना जब लिखने आएगा। तो बाबा मैं लिख देता हूँ सूची। नहीं, हम लोग है ना सबको जैसे याद शक्ति से याद रखते हैं, फिर भी अगर तू लिखना चाहता है तो लिख।
मैं अभी आया। ये लिखेगा नाम। बस भाव क्लास रखो ना। हाँ भाव बताइए। लिख देखो माला। चलो इसके पढ़ने का कुछ तो फायदा हुआ। अभी और भी फायदा होगा बाबा, पैसे कौड़ी सबका हिसाब किताब रखेगा ये। वो हम पढ़े लिखे बिना ही कर लेते। बाबा पढ़ाई के महत्व को समझ ही नहीं रहे, वो तो अनजान रहना चाहते हैं। हसता हसता हमन दस्ता कुट तो पिवरी हड़ कुट तो पिवरी हड़ कुटता कुटता पिवळ्या हळदीचा रंग झाला गडद रंग झाला गडद चला चला ग बिगी बिगी हळद लावूया हळद लावूया हसरा चेहरा सजरा मुकळा हलूया जरा फुलूया जरा नक्षत्राचं देणं दिलं खंडोजीच्या दारी खंडोजीच्या दारी सावित्रीला घ्याया आली ज्योतिबाची वारी सावित्रीला घ्याया आली ज्योतिबाची वारी। आई हो गया अब मैं जाओ। सावित्री क्या हुआ, कोई बात है क्या? देखो सब औरतें तुम्हारे लिए मंगल गीत गा रही है। तुम्हारी शादी है ना, तुम्हें तो खुश होना चाहिए है ना? अरे तुम इतनी चुपचाप क्यों बैठी हो? इतनी शांत क्यों हो? कुछ तो बात करो। लगता है ज्योति के ख्यालों में ये खो गए हैं। तो लगता है ये सिर्फ ज्योतिबा से ही बात करेगी। क्या बोलूं? अरे इतना गुस्सा किस लिए? खंडो जी से बोल के विवाह का दिन थोड़ा पहले करवा दे क्या? सावित्री लगता है शर्मा गई। अरे शर्मा नहीं रही है, डर लगता है शादी के नाम से हर मुलगी को। अपने दिन भूल गई क्या? जैसे शादी का शगुन आता था तो कैसा तो भी होने लगता था। मानो कि जैसा पूरा शरीर पीला पड़ जाता है। तुम पीली हो गई होगी, मेरा तो हरा हो गया था। ये इस मुलगी का डर है या शादी न करने की कोई नई नौटंकी? हाथ बढ़ाओ अपना,
नहीं। मैंने कहा हाथ बढ़ाओ। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। शादी तो की है ना, और शादी के बाद ऐसे ही होता है। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। नहीं, कुछ नहीं किया। नहीं, नहीं, नहीं। सावित्री, सावित्री, क्या हुआ बेटा? कहीं चला? कहीं चला मुलगी? हम लोग? कहीं चला रे? मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़ दो मुझे। कौन? कौन? वो मुझे चिमटी से दाग रहे थे। पापा, वो मुझे चिमटी से दाग देगी, देखिए ना। सावित्री, बेटा तुमने कोई बुरा सपना देखा हो? नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया था, तब भी वो मुझे चिमटी से दाग रही थी। सावित्री, देखो देखो, यहाँ पे कोई भी नहीं है। आजी है, हमारे बाबा है, आई है, कोई और तुम्हें दिख रहा है? तो तुम्हें कौन जलाएगा चिमटे से? हाँ, वो मुझे मारेंगे, वो मुझे चिमटी से जलाएंगे। बाबा, मैं नहीं जाना चाहती उधर, मुझे मत भेजो उधर बाबा। अरे मुलगी, तू किसकी बात कर रही है? और कौन मारेगा तुझे? और कौन चिमटे से जलाएगा, बोल तो। वही जहाँ मैं शादी करके जाने वाली हूँ। वो मुझे बहुत मारी, बाबा मुझे बहुत भेजो, मैं नहीं जाऊंगी, बल्कि मैं शादी नहीं करूंगी। नहीं बच्चा, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, नहीं ऐसे नहीं बोलते। नहीं, कहाँ गए मुलगी? ये रह रहे कि क्या हो जाता है तुझे आजकल? हाँ, और आखिर क्यों नहीं शादी करना चाहती तू? अगर बोल खाई तेरी, फिर से नौटंकी शुरू कर दी तेरी मुलगी ने। देख मुलगी, तेरी शादी तय हो चुकी है, और ये शादी है कोई खेल नहीं है। ये जब तेरा मन करे तब खेले, और जब मन नहीं करे तब नहीं खेले। एक बात कान खोल के सुन ले तू, ये शादी तो तुझे करनी ही पड़ेगी। अगर सावित्री, ये लड़की भी ना जो करना है ना मैं करूंगी, मैं भी देखती कैसे नहीं करती ये शादी। रुको, मैं बात करता। हाँ, क्या बात करेगा तू? तेरे वजह से तो उसका मन बड़ा हुआ है इतना, नहीं तो किसी मुल्की की मजाल है जो शादी के लिए मना कर दे। आई, अरे किसी बात से डर गई होगी वो। नहीं खंडो, किसी और बात से नहीं, जो मुक्ता है ना उसी के वजह से ये सब हो रहा है। मैंने हमेशा कहा है तुझे कि दूर रख मुक्ता से, लेकिन नहीं, मेरी बात तो तुझे माननी नहीं होती है। अरे धर्मों में, शास्त्रों में ऐसे नहीं लिखा है ना कि इन विधवाओं को ये शुभ कार्यों से दूर रखो करके। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आई, आप तो जानती है ना कि थोड़ी सी जिद्दी है वो, और अपने बाबा के अलावा किसी की भी नहीं सुनती है। इस बार उसे प्यार से समझाना होगा। हाँ ठीक है, अच्छे से समझाना उसे,
लेकिन ऐसे समझाना कि बार बार समझाने की जरूरत ना पड़े। मैं समझाता हूँ। क्या हुआ बेटा? अरे इतने दुखी क्यों? सावित्री, अपने बाबा को नहीं बताओगी? बाबा, शादी के बाद अपना पति हमें मारता है। उसके ससुराल वाले अपनी बहू को बहुत सताते हैं बाबा। ये बात तुमसे किसने बताई? मुक्ता ने। उसे भी अपना पति मारता था और उसके ससुराल वाले उसे बहुत सताते थे बाबा। बैठो यहाँ पर बैठो। सावित्री, कुछ लोग बुरे होते हैं जो अपने पत्नी को, अपने बहुओं को पीटते हैं, मारते हैं। सावित्री, तुम्हारे ससुराल वाले से बिल्कुल भी नहीं है। बाबा, आप क्या जाने? अभी मुक्ता का भाई पति देखो, कितना बूढ़ा था। उसे देख के कैसे पता चलता था कि वो इतना बूढ़े के साथ साथ इतना बुरा भी हो सकता है? सावित्री, बात तो सही है तुम्हारी, अने बुरे लोगों के कोई सींग या पूछ तो नहीं निकली होती। भाई, हमारी तुम्हारी तरह साधारण होते हैं। अब अच्छा दिखने वाला इंसान भी बुरा हो सकता है, नहीं? पर मैं तो कहता हूं कि तुम्हारे ससुराल वाले से बिल्कुल नहीं है। मैं जानता हूं उन्हें, वो तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। तुम्हें पता है सावित्री, तुम्हारे विवाह में मुझे विलंब क्यों हो? क्योंकि मैं सब कुछ देख सुनकर तुम्हारा विवाह कराना चाहता था। मैं मेरे सावित्री के लिए ऐसा घर चाहता था जहां पर वो हमेशा खुश रहे, उसे कोई भी तकलीफ ना। तुम ये जो कुछ भी सोच रही हो, ये तुम्हारे मन का डर है, वहम है। ऐसा कुछ भी नहीं है सावित्री। बाबा, मैंने सपने में देखा कि सगुना अक्का मुझे डांट रही थी। मैंने कुछ नहीं किया था, तब भी उन्होंने मुझे चिमटे से दागा भी। बेटा, तुमने ये सपना इसलिए देखा होगा क्योंकि तुम्हारे मन में डर बैठ गया है। शायद मुक्ता की बातें जो तुमने सुनी है ना, इस वजह से तुम डर गए हो, और कुछ नहीं। इसीलिए कहती थी मैं हमेशा तुझे कि इसे मुक्ता से दूर रख। अरे ऐसे समय पर ही अशुभ और अपवित्र चीजों से मुलगी को दूर रखा जाता है। लेकिन मेरी कोई बात सुने तो ना। भाई, मैं समझा रहा हूँ। क्या समझा रहे हो? क्या समझा रहे हो? देख रही हूँ, तुम दोनों को क्या लगता है कि तुम दोनों का अपनी मुलगी से बहुत ज्यादा प्यार है ना? अरे लेकिन सिर्फ प्यार होना काफी नहीं होता है। शुभ अशुभ, मंगल अमंगल, नजर गुजर, इन चीजों का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो कुलक्षणी मुक्ता है ना, उसी का प्रभाव पड़ा है इस पर, और कुछ नहीं हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं आई, सपना देख के डर गई हो। सावित्री, तुम कह रही थी तुम्हारा हाथ जला है, दिखाओ दिखाओ तुम्हारा हाथ कहाँ जला है, दिखाओ। है कहीं पर जले का निशान? तुम ऐसे ही डर गई हो, तुम्हारे मन का वहम है। शायद मुक्ता की बात से ना, तुमने अपने मन में बहुत ज्यादा डर ले लिया है। ऐसे कुछ भी नहीं हुआ बाबा। अभी तो मैं जानती हूँ कि ये बस सपना है। अगर सच्ची में मुझे ससुराल वालों ने पीटा या फिर चिमटे से दागा तो
पापा तो क्या होगा? अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। ए, तुम अपने बाबा की मुलगी हो, ऐसे कोई मेरे सावित्री को कैसे मार सकता है? तुम खंडो जी की मुलगी हो। अरे ओ मुलगी, तू ससुराल जा रही है, किसी कसाई के घर नहीं जा रही है, और सब जाते हैं ससुराल। मैं आई थी, तेरी आई भी आई है, और जरा पूछ तेरे आई को कि मैंने कभी इसे चिमटे से डागा है। काएगा बोलना। नहीं आई। सावित्री तू इतना क्यों सोच रही है? और तुम्हें डरने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तुम्हें पता है, तुम्हारे बाबा ना तुम्हारे ससुराल आते जाते रहेंगे। बाबा आई क्या सच कह रही है? हाँ? आप मेरे ससुराल आते जाते रहेंगे? हाँ, मैं तुम्हारे सिवा रह नहीं सकता बेटा, मैं आते जाते रहूंगा तुम्हें मिलने के लिए और खबर लेने के लिए। मेरी सावित्री को कोई तकलीफ तो नहीं दे रहा ना? मैं अपनी बेटी को मिलने तुम्हें ससुराल आऊंगा। अच्छा हुआ कि तू खुद से समझ गई, नहीं तो मैं तुझे अपने तरीके से समझाती। ना मैं स्त्री के लिए शादी कर रहा हूँ और ना ही मिठाई के लिए, तो फिर बलि के बकरे क्यों बन रहे हो? मैं तो शादी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं अपनी आगे की पढ़ाई कर सकूँ। बिना भय के इन पिछड़ों को हमसे प्रेम नहीं हो सकता। इधर आओ।